जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। तो अगर आपने भी किसी तरीके का कर्ज लिया है, भले ही वो कहीं से भी लिया हो, अगर एप्लीकेशन से लिया है या बैंक से लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड है या फिर मल्टीपल लोन है, तो आप कैसे कैसे लोन के दलदल में फंस चुके हैं और कैसे कैसे आपको बाहर में आना है, इस डिटेल वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर क्यों लोग कर्ज के दलदल से बाहर नहीं आ सकते और कैसे 2024 का फायदा उठा के आप कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकते हैं। एक एक करके मैं एग्जांपल बाय एग्जांपल आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ दो लोगों की। ये दो तरीके के लोग होते हैं, सबसे पहले है एक छोटे भाई और दूसरा है बड़े भाई, दो तरीके के लोग हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, आप पूरी तरीके से इस चीज को रिलेट कर पाएंगे और ये 100% रियलिस्टिक एग्जांपल भी है। अब छोटे भाई और बड़े भाई दोनों के ऊपर आज की डेट में लोन की अमाउंट होती है 1 लाख रुपए की। ध्यान देने वाली बात है, दोनों के ऊपर जो भी लोन का अमाउंट है वो टोटल 1 लाख रुपए है। अब दोनों का साथ में ही जॉब का लॉस होता है या फिर किसी और तरीके की मेडिकल कंडीशन खराब होती है, जिस वजह से अब ये पेमेंट नहीं कर सकते। अब इसमें से छोटे भाई जब ईएमआई नहीं दे पाएंगे तो ये क्या करेंगे कि दूसरे बैंक से या दूसरी एप्लीकेशन से पैसा उठाएंगे और उठा के देना चालू करेंगे। जॉब लॉस होने के बाद भी ये दूसरी जगह से ईएमआई दे रहे हैं, कहीं और से पैसा उठा के, तो इनके ऊपर का जो बर्डन है, जो बोझ है, वो कम नहीं होगा, वो और ज्यादा बढ़ेगा। ये हो जाएगा 1 लाख से 2 लाख और इसी तरीके से ये आगे भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं बड़े भाई की। तो बड़ा भाई थोड़ा सा समझदार है छोटे भाई से, तो उसको पता है कि जब 1 लाख रुपए इसके ऊपर लोन है और इसके पास अब कोई जॉब नहीं है या कोई इश्यू आ गया जिस वजह से ईएमआई नहीं भर पा रहा है, तो यहाँ पे ये कोई भी ईएमआई नहीं लेकर लोन को क्या करेगा, लोन को डिफॉल्ट कर देगा। इसका एक जगह से ही 1 लाख का लोन है और वो भी डिफॉल्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लगातार ही जॉब ना होने के बाद या पैसे का इंतजाम ना होने के बाद भी कहीं और से पैसा लेकर और भर रहा है और इसके ऊपर जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वो 5 लाख तक कब हो जाएगा इसको पता भी नहीं चल पाएगा। अब यही बड़े भाई को तो पता है कि अभी उनके पास अगर पैसा नहीं है तो लोन को डिफॉल्ट करना है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि इनको कॉल्स इनको भी आएंगे, कॉल्स इनको भी आएंगे। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इनको जो कॉल्स आएंगे, जो बड़े भाई है, तो आपको मालूम है बड़े भाई हमेशा समझदार होते हैं, तो ही ये कॉल्स को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जब भी कोई इनको कॉल करता है और पूछता है कि आपने लोन लिया है, तो ये सीधे बोल देते हैं मैंने कोई लोन नहीं लिया है, रॉन्ग नंबर, और फिर फोन को काट देते हैं या फिर फोन उठाते ही नहीं है। और ये क्या करते हैं, कॉल्स लगातार उठा रहे हैं, स्ट्रेस में हैं और इनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी धीरे धीरे करके खराब हो रही है, इनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, कॉल्स को लगातार ये उठा रहे हैं। अब इसके बाद आता है नोटिस, सेकेंड स्टेप में देखिए। तो ये बड़े भाई है समझदार, इनको पता है नोटिस है पूरी तरीके से फेक, नोटिस क्या है, पूरी तरीके से फेक है, तो ये नोटिस को क्या कर देंगे, बिल्कुल फेक है तो इसका बिल्कुल भी अपने ऊपर बर्डन नहीं लेंगे, इसको लेकर बिल्कुल भी ये घबराएंगे नहीं। लेकिन ये जो छोटे भाई है इनको लगता है कि नोटिस आ गया, अब केस होगा, अब आगे पता नहीं इनका क्या होगा, तो ये और जगह से और ज्यादा लोन लेकर और फिर और ज्यादा ये डिप्रेशन में आएंगे, इनको बोलते हैं डेट ट्रैप, ठीक है, ये फंस जाएंगे डेट के ट्रैप में। अब मान लेते हैं इनके ऊपर भी लोन था 1 लाख का, इनके ऊपर भी लोन था 1 लाख का, अब ये 1 लाख का जो लोन था ये अब 5 लाख का हो गया। अब इनके ऊपर जो 1 लाख का लोन था वो अभी भी 1 लाख का है, ये हर चीज को मैनेज कर रहे हैं और साथ साथ में इन्होंने सबसे अच्छी चीज क्या की है कि लोन हेल्प इंडिया को फॉलो करके रखा है ताकि इनको जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहे। इन्होंने ये एक काम भी किया कि लोन हेल्प इंडिया को फॉलो कर रहे, सुबह शाम वीडियो देख रहे हैं तो इनको लेटेस्ट अपडेट भी मिल रही है। अब ये जो पहले से नोटिस में और सभी चीजों के बाद डिप्रेशन में गए हैं, अब मान लेते हैं दोनों की 6 मंथ बाद, 6 महीने के बाद वापस से जॉब आ गई, ठीक है, तो
तो वापस से जब 6 महीने बाद दोनों की जॉब आ जाएगी तो ये क्या करेगा, इसके पास तो 1 लाख का ही लोन है, तो जब जॉब आएगी तो वो अगर चाहेगा तो फुल पेमेंट भी करके क्लोज कर सकता है 1 लाख का, ज्यादा से ज्यादा 1,20,000 ये लोग बनाएंगे इंटरेस्ट लगा के, मान लेते हैं 1,20,000 या 1,30,000 बनाते हैं, तो इसमें भी आपको पेनल्टी की पूरी छूट देते हैं। आप उनसे अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो पेनल्टी वो खुद हटा के देते हैं कि लीजिए पेनल्टी हमने हटा दी, आप जो पैसा था कम से कम उतना ही पेमेंट कर दीजिए या फिर थोड़ा बहुत में सेटलमेंट कर लीजिए। तो इनका जो 1 लाख का लोन था वो तो अभी 1,20,000 का था, उसमें भी पेनल्टी हटेगी तो 1 लाख का फिर से हो जाएगा। तो इनको जब वापस बड़े भाई को जॉब लगेगी तो इनके पास एक ऑप्शन होगा लोन क्लोज करने का, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इनके पास एक ऑप्शन रहेगा लोन क्लोज करने का, क्योंकि इनको पता है इनके ऊपर ज्यादा कंपनी से लोन नहीं है, लोन का अमाउंट भी उतना ज्यादा नहीं है, 1 लाख का है, जॉब लग चुकी है, 3-4-5 महीनों में पैसे का इंतजाम करके अगर 30,000-20,000 में सेटलमेंट करना होगा तो लोन हेल्प इंडिया से सहायता लेके और कर लेंगे सेटलमेंट, अगर नहीं भी करना होगा तो फुल पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी की जगह बात करते हैं छोटे भाई का, तो छोटे भाई को अगर जॉब लग भी जाएगी तो इनके ऊपर जो लोन का अमाउंट है ये है 5 लाख, अब वो पहले कितना था 1 लाख था, अब ये 5 लाख चाह कर भी इतना पैसा बचा नहीं पाएंगे कि वो लोन को क्लोज कर सके, अब पूरी तरीके से ये डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, अब ये इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे भाई भी सीखेंगे और वो छोटे भाई भी आगे चल के बड़े भाई की तरह काम करेंगे, लेकिन इसके लिए करना ये होता है कि पहले तो वीडियोस को मेरी वॉच करनी पड़ती है और ध्यान से देखिए किस तरीके से लोग जो है वो डेट के ट्रैप में फंसते हैं। तो आपको कभी भी गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा फॉलो करना है बड़े भाई को, छोटे भाई को फॉलो नहीं करना, अगर आप छोटे भाई को फॉलो करेंगे तो आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। फिर से समझिए, अगर आप अपने ऊपर स्ट्रेस लेंगे, कॉल्स के डिप्रेशन में आएंगे, नोटिस वगैरह देखेंगे तो जॉब में भी काम नहीं लगेगा और जॉब करने के बाद भी आपका लोन कभी क्लोज नहीं होगा। दूसरी तरफ बड़े भाई को देखिए, पूरी तरीके से चिल है, रिलैक्स है, आराम से काम कर रहे हैं, किसी तरीके की टेंशन नहीं है, पता है लोन है, आराम से क्लोज होगा, जब पैसे होंगे तो आराम आराम से धीरे धीरे करके चुका दिया जाएगा, अगर पैसा जमा हुआ तो पूरा एक साथ देंगे, अगर नहीं हो पाया तो सेटलमेंट कर लेंगे, दोनों ऑप्शन इनके पास है। तो बड़े भाई पूरी तरीके से रिलैक्स है। अब इनको क्या होगा, इनको 2-3 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके इनके जो लोन्स हैं वो सारे के सारे क्लोज होंगे, और मल्टीपल जगह से लोन है तो प्रेशर भी ज़्यादा है, बाद में इनको पता चलता है कि लोन हेल्प इंडिया नाम का चैनल है तो उसको फॉलो करते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर उसके बाद अपनी समस्याओं को हल करते हैं। तो इस तरीके से लोग जो है छोटे भाई की तरह अपनी तरीके से डेट ट्रैप में फंसते हैं, और जो बड़े भाई जैसे लोग हैं वो डेट ट्रैप में फंसते नहीं हैं। तो अगर आप भी गलती से किसी भी तरीके से, अगर आप बड़े भाई या छोटे भाई, आपको किसको फॉलो करना चाहिए सबसे पहले तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसके बाद अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो दोबारा ये गलती नहीं दोहराइए, अगर ये दोबारा गलती दोहराएंगे तो कभी भी डेट ट्रैप से निकल नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको 2024 में डेट ट्रैप से बाहर निकलना है तो हमें फॉलो करते रहिए, हम लोग ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये वीडियो 110% रिलेटेबल वीडियो होगी और आप लोग इनसे संपर्क कर पाएंगे, देख पाएंगे, अपने आप से इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, जय हिंद जय भारत।